सुकुक विदंबर में आप सबको कहती हूँ खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से और बिल्कुल ठीक होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार है। आज हम टी टाइम स्नैक के लिए आपके साथ एक बेहतरीन शानदार रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम आपके लिए बनाएंगे कि घर पे रहते हुए प्लेन फ्लावर से हम पैटीज किस तरह से रेडी करेंगे। फिलिंग आप अपनी मर्जी की ऐड कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी चिकन एंड आलू के साथ ये पैटीज हम किस तरह से रेडी करेंगे। आसान सी रेसिपी है, इसको सेम रेशियो से फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुक विद अंबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई और आसान रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। चलिए अब चलते हैं किचन की जानिब और आपको बताते हैं इसकी डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स और इसकी मजेदार झटपट सी रेसिपी। जी तो व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैटीज बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैदा मौजूद है, यानी कि प्लेन फ्लावर। ये देखिए, मैंने बिल्कुल बेकिंग वाला प्लेन फ्लावर लिया है, इसको मैंने अच्छे से सीव किया है। इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। याद रहे कि ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। जी तो यहाँ पर मौजूद है मेरे पास 5 टेबलस्पून घी। याद रहे कि इसमें हम तेल शामिल नहीं करेंगे, घी शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो घी शामिल करने के बाद हम इसको प्लेन फ्लावर में इस तरह से अच्छे से रोल करेंगे। घी डालने से हमारी पैटीज जो हैं वो नाइस क्रिस्पी एंड फ्लेकी बनेंगी। जी तो ये देखिए, हमने अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया है घी के साथ। अब इसमें हम हसबे जरूरत नीम गरम पानी शामिल करेंगे और इसकी अच्छी सी डो बनाएंगे। याद रहे कि जो डो है वो ना ही ज्यादा सॉफ्ट होगी और ना ज्यादा सख्त होगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने डो को अच्छे से गूंद लिया है। जी तो ये देखिए, इसकी जो सॉफ्टनेस है वो इस तरह से है, ये ना तो ज्यादा सॉफ्ट है और ना ज्यादा हार्ड है। अब इसको हम कवर करते हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे और फिर इसकी पैटीज रेडी करेंगे। जी तो व्यूअर्स, जब तक पैटीज की डो जो है वो सेट होगी, हम इसका जो मिक्सचर है वो रेडी करते हैं। एक पैन में हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें शामिल करेंगे फाइन चॉप्ड अनियन, प्याज को हम अच्छा सा स्टर फ्राई करेंगे। आप जिस तरह की भी फिलिंग चाहते हैं पैटीज में आप वो शामिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें ओनली चीज एंड चिकन की भी फिलिंग बना सकते हैं। आप इसमें मटर शामिल कर सकते हैं। आज मैं आपको चिकन एंड पोटैटो के साथ इसकी फिलिंग बनाना सिखाऊंगी। देखिए, प्याज का हल्का सा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास चिकन मौजूद है जिसको मैंने स्टर फ्राई करने के बाद इस तरह से श्रेड कर लिया है। ये शामिल करते हैं। जी तो यहाँ पर मौजूद है मेरे पास आलू। 3 से 4 अदद आलू लेने के बाद मैंने उसको अच्छे से बॉईल किया और बॉईल करने के बाद मैंने मैश किया है। अब हम ये शामिल करेंगे। जी तो आलू शामिल करने के बाद इसको हम चिकन और प्याज के मिक्सचर में अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम लो पे है। जी तो मसालों में हमारे पास शामिल है यहाँ पर 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स एंड 1/2 टीस्पून साबुत सूखा धनिया। ये तमाम मसाले इस मिक्सचर में हम शामिल करते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे ताजा सूखा धनिया, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा कैप्सिकम मौजूद है जिसको मैंने इस तरह से फाइन चॉप किया है। 3 से 4 सब्ज मिर्ची है। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शामिल कर सकते हैं। जितने इसमें शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून ऑफ सफेद जीरा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं।
जी ट्वेयर्स माशाल्लाह, ये देखिए मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। इसको हमने अच्छे से नाइसली मिक्स किया है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें आप चीज भी शामिल कर सकते हैं। अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे अच्छा सा ठंडा करते हैं और फिर आपके साथ मिलके पैटीज रेडी करते हैं। जी तो पैटीज को फ्लेकी और क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक मिक्सचर रेडी करेंगे। बोल में मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 3-4 टेबल स्पून घी। ये वनस्पति घी है। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून प्लेन फ्लावर और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जी तवेयर्स, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको शो करवाती हूँ। इतनी रनी होनी चाहिए। इस तरह से हम ये जो मिक्सचर है ये रेडी करेंगे। जी तवेयर्स, ये देखिए दो बिल्कुल रेडी है। इस तरह से हमने 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट दिया है और ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। इसकी जो सॉफ्टनेस है वो आप देखिए। इस तरह से हम स्मूथ डो जो है वो रेडी करेंगे। जी तवेयर्स, हमने डो को इस तरह से रोल किया है। इसको हम सबसे पहले हाफ में डिवाइड करेंगे। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े रेडी करेंगे। जी तो इस तरह से हमने तमाम डो के पेड़े रेडी किए हैं। ये देखिए आप इक्वल साइज के जो है वो डो डिवाइड करने के बाद इसके पेड़े बनाएंगे। मेरे पास यहाँ पर 14 पेड़े मौजूद हैं, यानी कि 14 पेड़े। मैं अब आपको इसकी लेयरिंग बताती हूँ और फिर मैं आपको स्टफिंग का तरीका बताती हूँ कि हम किस तरह से इसकी स्टफिंग करेंगे। पेड़े रेडी करने के बाद आप याद रखें कि ये ड्राई ना हो, इसीलिए इसके सरफेस पे हम इस तरह से हल्का सा ऑयल या घी जो है वो ग्रीस करेंगे। अभी पेड़े रेडी हैं, चलिए अब इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। जी तवेयर्स, एक रोलिंग बोर्ड की सरफेस पे हम प्लेन फ्लावर थोड़ा सा डस्ट करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो पेड़े की रोटी है वो इस तरह से रोल की है। अब तमाम पेड़े की रोटी हम इस तरह से रोल करते हैं और फिर आपके सामने वापस आते हैं। जी तो ये देखिए हमने इस तरह से तमाम पेड़ों को रोल करके उसकी पतली पतली सी रोटियां बेल ली हैं। अब हम इसकी पैटीज रेडी करते हैं। ये देखिए इस तरह से अभी रेडी है। मैं अब आपको इसका फर्दर प्रोसेस बताती हूँ कि हम पैटीज किस तरह से रेडी करेंगे। जी तो रोलिंग बोर्ड की सरफेस पे हम सबसे पहले तो थोड़ा सा जो मैदा है वो डस्ट करते हैं। अब इसमें हम इस तरह से ये एक रोटी रखेंगे और ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया था घी और मैदे के साथ, ये देखिए इस तरह से ये इतना थिन है क्योंकि घी जो है वो टाइम बाय टाइम थोड़ा सा मेल्ट होगा। इस तरह से हम थोड़ा सा मैदे और घी का मिक्सचर लेने के बाद उसको अच्छे से इस तरह से हम मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा प्लेन फ्लावर डस्ट करते हैं और इसके ऊपर ये रोटी जो है वो इस तरह से थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे। अगर ये एग्जैक्ट जो है वो फिट नहीं आती तो टेंशन की बात नहीं है, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच करके इसको अच्छे से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम ये जो है प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब इसमें हम दोबारा से प्लेन फ्लावर डस्ट करेंगे और उसके ऊपर ये एक और रोटी एडजस्ट करेंगे। इसमें हम ये मैदे और घी का मिक्सचर लगाएंगे। टोटल इसके पेड़े बने थे वो 14 हैं, तो मैं 7 लेयर्स की जो है वो एक बंच इसका रेडी करूंगी। लास्ट जो है वो हम लेयर लगाएंगे। अब इसको हम लास्ट इस तरह से कोट करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए इस तरह से हम इसको टाइट करते करते रोल करेंगे।
चल रहे हैं जी। ट्वीर से देखिए हमने इस तरह से इसका रोल जो है वो बनाया है। अब इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पिज्जा कटर मौजूद है। सबसे पहले हम इसको हाफ में डिवाइड करते हैं। जी तो ये देखिए इस तरह से हम इसके पेड़े को इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो तमाम लेयर्स हैं वो एडजस्ट हो सके। अब ये देखिए ये एक इस तरह से पेड़ा रेडी हो चुका है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। इस तरह से हम ये एक रोल लेंगे और इसको इस तरह से जेंटली प्रेस करेंगे ताकि इसकी जितनी भी लेयर्स हैं वो नाइसली खुल सके। जी व्यूअर्स इस तरह से अब हम इसको रोल करते हैं। इसको अब हम जेंटली रोल करेंगे ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो खराब नहीं हो। जी तो ये देखिए इसकी जो थिकनेस है हम इस तरह से रखेंगे। अगर आप देख सकें तो यहाँ पर इसकी लेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि हमारी पैटीज को नाइस एंड फ्लेकी बनाएंगी। अब इसको हम स्क्वायर में इस तरह से कट करेंगे। ये जो साइड्स हैं या तो वो आप दोबारा से रोल कर सकते हैं या आप इसके नमक पारे भी फ्राई करके चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब इसकी स्टफिंग जो हमने रेडी की थी वो हम इस तरह से इसकी साइड पे रखेंगे। इसकी एजिंग पे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब इस तरह से हम पैटीज को बंद करेंगे। और एक फोक की हेल्प से इस तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि जो इसकी फिलिंग है वो फ्राइंग के टाइम पे बाहर नहीं आए। जी तो ये देखिए इस तरह से हमने पैटी रेडी की है। मैं तमाम पैटीज को रेडी करती हूँ और फिर आपके सामने हम फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पर देखिए मैंने तमाम पैटीज को इस तरह से रेडी किया है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इन तमाम पैटीज को एक ट्रे में अच्छे से लाइनर लगा के तो फ्रीज भी कर सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट पहले आप इसको थॉ करेंगे यानी कि डीप फ्रॉस्ट करेंगे और उसके बाद डीप फ्राई करेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगी और फिर आप अपने गेस्ट को मजे से सर्व करेंगे। अच्छा तो फ्राइंग के लिए हमारे पास यहाँ पर कुकिंग ऑयल मौजूद है जिसको मैंने 80% जो है वो गरम किया है। इसको हम ज़्यादा गरम नहीं करेंगे एंड वेरी लो फ्लेम पे अब हम पैटीज को इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी तो इसमें हम एक टाइम में सिर्फ 2 पैटीज जो हैं वो शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा सेट होते तक फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स अब हम इसको बहुत ही हल्के हाथों इस तरह से टर्न करेंगे। अगर आप देखें इधर तो यहाँ पर इसकी नाइस सी लेयर्स मौजूद हैं। फ्लेम बिल्कुल लो है एंड वेरी लो फ्लेम पे हम इसको नाइसली फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स माशाल्लाह ये देखिए पैटीज बिल्कुल अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं। अब इसको हम नाइसली डिश आउट करते हैं। जी त्वेर्स माशाल्लाह ये देखिए मजेदार पैटीज बिल्कुल रेडी हैं। इसको हमने बहुत ही लाइट फ्लेम पे जो है फ्राई किया है। प्लीज इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल कुक विद अंबर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बिल्कुल टाइम पर। जी तो व्यूअर्स आई होप आपको मज़ेदार सी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये आप पैटीज बनाइए, फ्रीज कीजिए, जब दिल चाहे आप इसको डीप फ्राई करके तो चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।